एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने ऑपरेशन सवेरा पर कहा कि यह ऑपरेशन पूरे प्रदेश में लागू है, जो कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए लागू की गई है, जिसका उद्देश्य है कि जो बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं और उनके बच्चे बाहर हैं, उनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, ऐसे बुजुर्ग को बीट पुलिस डायल 112 के माध्यम से रजिस्टर किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनके साथ कोई घटना होती है या किसी तरह की सहायता की आवश्यकता होती है तो 112 नंबर डायल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यदि उनकी समस्या पुलिस विभाग से संबंधित है तो उनके समस्या का शीघ्र ही निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो उनसे समन्वय बनाकर उनके समस्या का समाधान करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सवेरा का मुख्य उद्देश्य है कि बुजुर्ग व्यक्तियों के फोन से कोई कॉल आता है या मिस कॉल आता है तो कॉल बैक करके उनके समस्या का निस्तारण करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, ये ऑपरेशन सवेरा जो है वो पूरे प्रदेश में लागू है और इसमें जो बुजुर्ग लोग, चाहे वो बुजुर्ग दंपति हो या कोई व्यक्ति अकेला रह रहा हो, उसके लिए ये योजना लागू की गई है सरकार द्वारा, जिसका उद्देश्य है कि जो इस तरह के बुजुर्ग जो अकेले रह रहे हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, ऐसे बुजुर्गों को हम रजिस्टर करें बीट पुलिस के माध्यम से, 112 की गाड़ियों के माध्यम से, और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो भी 112 नंबर डायल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद अगर उनके साथ में कोई घटना होती है या अदरवाइज भी उनको अगर कोई सहायता चाहिए होती है ऐसा में, तो 112 पर डायल करके वो सहायता ले सकते हैं। अगर उनकी समस्या पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित है तो हम लोग उसका यथाशीघ्र उसका निस्तारण कराएंगे। यदि किसी अन्य डिपार्टमेंट से भी संबंधित है तो उसमें हम उनसे समन्वय करा करके उनके समस्या का समाधान कराने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। इसकी खास बात यह है कि अगर बुजुर्ग व्यक्ति के फ़ोन से कोई फ़ोन आता है, मान लीजिए मिस कॉल भी आती है, तो वो हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और उसके संबंध में हम उनको कॉल बैक करके उनसे उनकी समस्या जान करके उसका निस्तारण कराएंगे। तो ये इसका एक स्पेशल फीचर है कि अगर मान लीजिए मिस कॉल भी आ गया, अगर किसी डिस्ट्रेस में है तो भी पुलिस उन तक पहुँचेगी। 112 ही नंबर है।